ऑफ गेम। जहां तक आईटी की बात रही, अगर आप देखेंगे पिछले 6 से 8 महीने में आई थिंक जो अच्छे मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं दे हैव बीन स्टिल परफॉर्मिंग वेल एंड दे वर बैक्ड बाय रिजल्ट्स, रिजल्ट्स भी उसके आए। जो लार्ज कैप आईटी थे आई थिंक पिछले 2-3 क्वार्टर में उनके रिजल्ट्स भी काफी चैलेंज भरे आए, बट उसके अंदर जो एक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है उसमें कभी भी डाउट नहीं था। वैल्यूएशंस काफी कंपेलिंग हो गई थी पिछले 5-7 हफ्तों में लार्ज कैप की, एंड जिस अब जैसे ही एक टर्न अराउंड आया है, जैसे इंटरेस्ट रेट का टर्न अराउंड आया, ट्रेजरी यील्ड का टर्न अराउंड आया यूएस में, आई थिंक जो एक शॉर्ट पोजीशंस काफी शॉर्ट भी बॉल्ड अप हो गई थी आईटी में, तो अभी तो वो एक मोमेंटम है, वो कैचिंग अप मोमेंटम है। वेदर दिस मोमेंटम विल सस्टेन, वेदर इट इज अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म काइंड ऑफ अ चेंज ओवर इफेक्ट, वेदर इट इज अ यू टर्न, आई थिंक वो अभी देखने वाली बात है। बट डेफिनेटली आई थिंक वैल्यूएशन बहुत कंपेलिंग हो गई थी, शॉर्ट्स काफी इनबिल्ट हो गए थे लार्ज कैप आईटी में, एंड इट वॉज बाउंड टू हैपन, एंड दिस में कैरी ऑन फॉर सम मोर टाइम। आई थिंक नवंबर सीरीज तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अभी स्ट्रेंथ वाली ही रहनी चाहिए आईटी के लिए, व्हाट हैपन्स बियॉन्ड दैट देखते हैं। बट मिड कैप आईटी एज सच आई थिंक इज अ स्टोरी जो काफी अनफोल्ड हुई है पिछले 6-8 महीने में, एंड दैट स्टोरी कुड कंटिन्यू क्योंकि काफी अच्छे प्रोडक्ट है, काफी अच्छी कंपनी है, एंड दे हैव बीन डिलीवरिंग स्टुपेंडस रिजल्ट्स।